अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आज की वीडियो में ये एक राइटिंग टैबलेट है, ये दिखाऊंगा मैं आपको। ये मुख्तलिफ नाम से आती है, जैसे ये ग्राफिक टैबलेट या स्केच टैबलेट या डिजिटल राइटिंग टैबलेट के नाम से। तो ये कंप्यूटर के साथ अटैच करके ऊपर जो भी आप राइट करते हैं तो वो सारा स्केच वगैरह या वो चीज़ कंप्यूटर के अंदर बन रही होती है। तो ये ज़्यादातर वो लोग जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं ये प्रेजेंटेशन वगैरह जो बनाते हैं उसके ऊपर वो मार्किंग के लिए या उसके लिए यूज़ होती है, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह के लिए। तो इसको ये देखेंगे, इसमें काफ़ी सारे और भी मुख्तलिफ मॉडल्स वगैरह और टाइप जो हैं इसकी आती हैं लेटेस्ट। तो ये भी एक लेटेस्ट वर्जन है इसका, और 10 मून्स के नाम से। और यहाँ पे आप इसकी ये USB केबल देख सकते हैं, और ये प्लग एंड प्ले टाइप होता है इसका। जैसे आप पीसी के साथ अटैच करते हैं तो वो खुद ही इसको डिटेक्ट करके तो यूज़ेबल हो जाती है ये डिटेक्ट होने के साथ ही। तो इसको भी अटैच करके देखेंगे, उससे पहले इसके साथ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये इसका जो पेन होता है जो सेंस करता है उस चीज़ को जो उसके ऊपर हम राइट वगैरह करते हैं इससे। तो इसका पाउच बहुत ही ज़बरदस्त ये बना हुआ है पेन का, ये देखेंगे। और इसको एज ए आप पॉइंटर या वो एज ए माउस भी ये काम करता है। इसका ये प्लस माइनस लिखा हुआ है राइट या लेफ्ट क्लिक के तौर पे, और साथ में ये एक इसी पेन के लिए एक स्टैंड बना हुआ है वो दिया गया है। तो इस तरह के टैबलेट जो है इनका लिंक जो है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नए दोस्त J.S. दिलावर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इस तरह की काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके रिव्यूज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से आप इस स्टैंड को यूज़ कर सकते हैं इस पेंसिल के लिए। और इसके अंदर ये दो यूज़र गाइड्स या मैनुअल जो होते हैं वो भी दिए गए हैं, तो उसमें आप काफ़ी डिटेल से इसको रीड कर सकते हैं, इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह जो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये देखेंगे, ये चीज़ है ओरिजिनल जो है, उसके ऊपर ये मुख्तलिफ फंक्शन के लिए ये बटन जो है वो भी दिए गए हैं। और मुख्तलिफ कंट्रोल जो हैं, जैसे आप वीडियो वगैरह उसमें प्ले कर रहे हैं तो उस तरह जो ऐसे वो फॉरवर्ड वगैरह का, स्टॉप एंड पॉज एंड प्ले जो होते हैं उस तरह के बटन्स का भी वो मार्किंग ऊपर बनी हुई है। तो ये देखें, अभी इसको पीसी के साथ कनेक्ट किया मैंने इसकी वायर जो है, और यहाँ देखें आप तो इसकी लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो गई है। और अभी इसको ये चेक करते हैं, ये पीसी के साथ अटैच किया मैंने इसको। तो यहाँ पे ये जो पावर पॉइंट वगैरह की जो स्लाइड्स होती हैं जैसे, तो इसको आप जब इस तरह प्रेजेंटेशन मोड में कर लेते हैं और यहाँ पे ये लाइट क्लिक करके, तो ये पेन मोड जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है एज ए पॉइंटर, ये देखें। और आप जो भी वहाँ पे मैं उसके ऊपर लिखूँगा कुछ वो सारा इस पे आ रहा होगा, ये देखें इस तरह से। इस तरह आप मुख्तलिफ स्केच वगैरह इस तरह की चीज़ बना सकते हैं, या ऑनलाइन टीचिंग वगैरह के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।